Alishi Multitaskers and I am Pallavi. I hope you all are doing good. Now we talk about today's video. In today's video all about collaboration. Collaboration process kya hai? कोलैबोरेशन कैसे करते हैं, कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो कोलैबोरेशन कराती हैं, ऑल अबाउट कैंपेनिंग, तो ये सारा इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो ये बात कर लेते हैं कोलैबोरेशन के बारे में, कौन कौन से ब्रांड्स हैं जो कोलैबोरेशन कराते हैं, ऑल अबाउट कैंपेनिंग, कौन सी ऐसी एजेंसी हैं, कौन कौन से ऐसे ऐप्स हैं जो हमें कोलैबोरेट कराते हैं। आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। अगर आप बिगनर हैं आपको कैंपेनिंग और कोलैबोरेशन कैसे मिल सकता है, तो वैसे तो मैं भी इस फील्ड में बिगनर ही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन अगर मैं आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प कर सकूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो भी स्क्रीन पे लिंक कर रहा होगा, आप वहां से जाके मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, और कोई भी डाउट होगा तो आप वहां पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं बहुत कुछ इसमें बताने की कोशिश करूंगी, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है। सबसे बेसिक पॉइंट है कि व्हाट इज कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन क्या है। तो जब दो लोग मिलकर काम करते हैं किसी प्रॉफिट के लिए तो उस टर्म को हम कहते हैं कोलैबोरेशन। जस्ट लाइक कोई ब्रांड है वो आपके संग कोलैबोरेट कर रहा है तो आप किसी पर्पस के लिए ही उसके साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल उसने कोई भी आपको प्रोडक्ट सेंड किया, जस्ट लाइक लिप बाम हो या फिर कोई ब्यूटी प्रोडक्ट हो, तो इसके बदले में आपको क्या रिटर्न करना होता है, या तो आप कोई इंस्टाग्राम की रील आप उसको सेंड कर सकते हैं, उनके लिए बना सकते हैं, या फिर कोई स्टोरी बना सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे कोई वीडियो बना सकते हैं। इस तरीके से उस ब्रांड को आप प्रमोट कर रहे हैं, तो यही होता है कोलैबोरेशन। नाउ वी टॉक अबाउट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोलैबोरेशन। देयर आर टू टाइप ऑफ कोलैबोरेशन, वन फॉर बार्टर एंड सेकंड फॉर पेड। तो बार्टर प्रमोशन का मतलब होता है कि हमें कोई भी ब्रांड सामने से प्रोडक्ट देता है और इन रिटर्न हमें उसे उसके ब्रांड को प्रमोट करने के लिए देना होता है कोई भी पिक्चर, कोई भी स्टोरी या फिर कोई भी यूट्यूब पे वीडियो। तो ये हम उसे उसके रिटर्न में देते हैं जो भी वो ब्रांड चाहता है अपने ब्रांड को प्रमोट कराने के लिए। बीच में कोई भी चार्जेस नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट होता है बार्टर में। तो ये होता है बार्टर कोलैबोरेशन। अब बात करते हैं कि पेड कोलैबोरेशन क्या होता है। तो पेड कोलैबोरेशन में वो प्रोडक्ट तो हमें देते ही हैं ब्रांड, साथ के साथ हमें कुछ चार्जेस भी देते हैं। इस प्रोसेस में वैसे थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इस तरीके से ही पेड प्रमोशन जो है काम करता है कि चार्जेस तो वो हमें पेड करता ही है और साथ के साथ अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए प्रोडक्ट भी देता है। तो ये होते हैं दो तरीके के कोलैबोरेशन, पेड और बार्टर। अगर मैं अपनी बात करूँ तो थोड़े टाइम पहले मैंने भी बार्टर कोलैबोरेशन किया था वेलकम ई कॉमर्स ब्रांड के लिए। तो उन्होंने मुझे वहाँ से अपना प्रोडक्ट सेंड किया था, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं चेक किया तो उसे आई बटन पे मैं दे दूंगी उसका लिंक, वहाँ पे आप जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर और 1000 फॉलोवर्स हैं और आपका चैनल मोनेटाइज है तो आप आराम से कोलैबोरेशन कर सकते हैं। तो बार्टर कोलैबोरेशन करने के लिए हम डायरेक्ट ब्रांड से बात नहीं कर सकते, कुछ एजेंसियाँ होती हैं जो हमें ब्रांड के थ्रू कनेक्ट करवाती है, क्योंकि डायरेक्ट ब्रांड हमसे कनेक्ट नहीं हो सकता, एजेंसी का काम होता है कि हमें उस तक कनेक्ट। बार्टर कोलैबोरेशन एजेंसी के ही थ्रू मिलता है। तो हाउ वी कैन डू बार्टर कोलैबोरेशन, अगर आपके 1K, 10K और 5K सब्सक्राइबर हैं तो आप कोलैबोरेशन आराम से कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी एजेंसी हमें नहीं देख पाती है, फिर बहुत सारे ब्रांड्स हमें नहीं देख पाते, तो उनसे कॉन्टैक्ट करने के लिए हमें बनानी होती है एक मीडिया किट। तो जो हम ईमेल सेंड करते हैं ब्रांड्स को उसे हम मीडिया किट कहते हैं। तो मीडिया किट का जो भी फॉर्मेट है वो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमें मीडिया किट कैसे प्रिपेयर करनी है किसी ब्रांड को कॉन्टैक्ट करने के लिए ब्रांड से या फिर उन्हें मेल करने के लिए। तो इस मीडिया किट में हमें अपनी प्रोफाइल पिक लगानी है, YouTube पे हमारे कितने सब्सक्राइबर हैं, फॉलोवर्स हमारे कितने हैं, Instagram पे हमारा इनसाइट क्या है, हमारा एंगेजमेंट रेट क्या है, हम किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते हैं और कितना परसेंट ऑफ एंगेजमेंट रेट है हमारा, तो वो सब हमें इस मीडिया किट में प्रिपेयर करना होगा। तो इस मीडिया किट को प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारे टेम्पलेट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं जो इस टाइप के टेम्पलेट्स प्रोवाइड करते हैं मीडिया किट बनाने के लिए। तो उनमें हमें अपना मीडिया किट जो है वो बनाना है, और बनाने के बाद हम उसको किसी भी एजेंसी को सेंड कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आपको स्टार्टिंग में बार्टर कोलैबोरेशन ही मिलेगा। अगर आपका इनसाइट रेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर आपके फॉलोवर्स ज़्यादा हैं तो ही आपको पेड प्रमोशन करने को मिलेगा। तो ये तो बात हो गई बार्टर कोलैबोरेशन की, वो कैसे काम करता है, हमें किस तरीके से कनेक्ट कराता है ब्रांड के थ्रू। तो अब मैं बात करती हूँ कि पेड कोलैबोरेशन कैसे। पेड कोलैबोरेशन में एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सपोज एक एजेंसी ए है और इन्फ्लुएंसर ए है, अगर पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर आके मिलते हैं तो आप, अगर एजेंसी आपसे कहती है कि कोई कैंपिंग चल रहा है किसी ब्रांड के लिए और आपको उसके लिए कोलैब करना है तो आप बेशक तैयार हो सकते हैं। अगर आपके फॉलोवर्स ज़्यादा हैं तो आप उनसे कह सकते हैं कि मैं बार्टर कोलैबोरेशन नहीं करूँगी, मैं पेड कोलैबोरेशन करूँगी। तो ये आपके डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपके फॉलोवर्स ज़्यादा है, तो बेशक आप पेड प्रमोशन के लिए ही उनसे बोलिए। ये बात अलग है कि कोई अच्छा ब्रांड अगर आ जाता है जिसका नाम है तो ही आप बार्टर कोलैबोरेशन करिए, अदरवाइज आप पेड कोलैबोरेशन कर सकते हैं।
अब बात करते हैं कि अगर आप पेड कोलैबोरेशन कर रहे हैं तो अपना कमर्शियल इन द सेंस जो चार्जेस होते हैं वो सेट कर लीजिए। मानिए जैसे कि आप इंस्टाग्राम पर प्रमोशन कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम पर प्रमोशन पे आप पोस्ट का कितना ले रहे हैं, रील्स का कितना ले रहे हैं, और जो आप उस पर इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालते हैं उसका कितना ले रहे हैं, यूट्यूब के वीडियो का कितना ले रहे हैं, तो इस तरीके से सेट करके चलिए चार्जेस। तो अगर आप इंस्टाग्राम के लिए कुछ स्टोरी बना रहे हैं या फिर उनके लिए कोई रील बना रहे हैं या यूट्यूब पे कोई वीडियो डाल रहे हैं तो आप उसका चार्जेस अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि अगर आप वीडियो और रील्स के लिए कहते हैं तो आप उसका चार्जेस ज़्यादा रखिए क्योंकि उसमें लगती है थोड़ी मेहनत ज़्यादा। तो इस तरीके से आप अपना जो कमर्शियल चार्जेस है वो सेट करके चलिए। अब बात करते हैं कि कितने टाइप के वीडियोज़ हम ब्रांड्स को देते हैं। तो हम दो तरह के वीडियो बनाते हैं, एक तो इंटीग्रेटेड होता है और एक डेडिकेटेड। तो इंटीग्रेटेड का जो वीडियो होता है वो मात्र 30 सेकंड 20 सेकंड इस टाइप का ही होता है क्योंकि वो हमें किसी वीडियो के बीच में हम प्रमोशन कर देते हैं कोई भी ब्रांड का जो भी हमें बताना है। और डेडिकेटेड होता है एक फुल वीडियो जो आप यूट्यूब पे अलग से उसके लिए बताते हैं और कम से कम उसको टाइम ज़्यादा देते हैं, 8 मिनट 10 मिनट, तो इस तरीके से डेडिकेटेड वीडियो। तो ये हो गया दो टाइप के वीडियो जो हम ब्रांड को देते हैं बना के जैसा भी उनका नीड होती है। अब बात कर लेते हैं चार्जेस की, हमें कितना चार्जेस जो है अपना सेट करके चलना है। और सबसे पहली बात ये, अगर आपके 10K फॉलोवर्स जो है 10K फॉलोवर्स के ऊपर अगर है तो आप इंडिकेटेड वीडियो के लिए 1K से 3K तक रख सकते हैं अपना चार्जेस, क्योंकि इंटीग्रेटेड वीडियो का मतलब होता है कोई भी वीडियो आपने बनाया उसके बीच में उस प्रोडक्ट का प्रमोशन थोड़ी देर के लिए कर दिया तो वो तो इंटीग्रेटेड वीडियो हो जाता है, उसमें तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। लेकिन अगर डेडिकेटेड वीडियो की बात करें तो डेडिकेटेड वीडियो के लिए आपको चार्जेस जो है वो 3K से 5K तक आप रख सकते हैं, क्योंकि डेडिकेटेड वीडियो जो होता है वो उसमें मेहनत इसलिए ज़्यादा लगती है क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर एक पूरा वीडियो हम बनाते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में, उस वीडियो में से उसी की बात करते हैं। तो इस तरीके से आप अपने चार्जेस सेट कर सकते हैं। अब बात आती है कि जो एजेंसियाँ होती हैं वो भी अपना कमीशन निकालती जी, वो भी अपना कमीशन लेती हैं, तो उस कमीशन को के लिए भी हमें उनसे नेगोशिएट करना होता है। कभी कभी कोई एजेंसी नहीं मानती कि नहीं आप जो चार्जेस बता रहे हैं हमें उसमें, मैं उसमें नहीं तैयार हूँ, हम नहीं कर सकते। तो आपको बिल्कुल अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने रखना है और बोलते ही रहना है कि नहीं मैं इतने ही मतलब कोलैबोरेशन इतने ही चार्जेस में कोलैबोरेट करूँगी क्योंकि मेरे पर फॉलोवर ज़्यादा हैं। तो एक नेगोशिएट करते करते एक पॉइंट तक वो मान जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपना चार्जेस सेट करिए। अब बात आती है कि पेमेंट कितने टाइम में आता है। कोई कोई एजेंसी या फिर ब्रांड्स होते हैं जो आपको आपकी वीडियो या फिर पोस्ट स्टोरी वगैरह डालने के नेक्स्ट डे ही पेमेंट कर देते हैं, और कुछ कुछ एजेंसियाँ होती हैं जो 7 डेज या फिर 30 डेज तक लगाती हैं पेमेंट करने में, लेकिन वो पेमेंट हमारा आ जाता है। तो वो ये चेक करती हैं कि आपका एंगेजमेंट रेशियो है वो कितना रहा, कितनी ऑडियंस ने आपका वीडियो देखा, कितने लोग एंगेज हुए आपके इस वीडियो पर आके, तो ये सब चीज़ें ओवरऑल निकाल के तभी वो हमारा पेमेंट करती हैं। फिर वो चाहे पेमेंट थोड़ा टाइम के बाद आए लेकिन वो पेमेंट जो है हमारा वो आ जाता है। तो इस तरीके से बात हो गई पेमेंट। नाउ कमिंग टू द कैंपेन, अब मैं बात करती हूँ कौन कौन सी ऐसी एजेंसी है जो हमें कैंपेन प्रोवाइड करती हैं, जैसे लाइक प्लिक्सो, कोफ्लुएंस, विंकर। तो प्लिक्सो में तो मैंने काम नहीं किया है क्योंकि प्लिक्सो शायद पेड प्रमोशन कराता है और उसके लिए सब्सक्राइबर जो है वो शायद 10K के ऊपर चाहिए। अब आ रही आती है कोफ्लुएंस की, तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरे पास जो भी काम अभी तक आया है बाटर ही आया है, लेकिन वो कोफ्लुएंस से मुझे मिला है। और विंकर ऐप जो है उसमें आप 25K के ऊपर अगर आपके सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स होंगे तो ही आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो कभी कभी होता है कि जो एजेंसी में हम लोग 15 मेल करते हैं ब्रांड्स को तो उनमें से कोई भी रिस्पांस नहीं करता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 या 1 भी रिस्पांस कर देते हैं। तो अगर 2 या 1 भी रिस्पांस करते हैं तो भी आपके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप इस तरह के प्रमोशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि अगर हम अपना खर्चा कैसे निकालेंगे। तो कभी और बात एक चीज़ और ये भी है कि गूगल एड्स से हमें ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं अगर हम कोलैबोरेशन करते हैं पेड वगैरह, तो उसी से हमारा खर्चा निकलता है। तो पेड कोलैबोरेशन करना मुझे लगता है कि कोई गलत बात है, ऑब्वियसली बात है। तो इस तरीके से ये एजेंसियाँ हैं जो हमें कैंपेन कराती हैं, तो आपका उसको आपको उसमें अप्लाई करना होता है। तो आपको या तो मेल करके बताती हैं या फिर आपका व्हाट्सएप नंबर वो उसमें मांगती हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करती हैं। तो इस तरीके से ये एजेंसी हैं जो हमें कैंपेन प्रोवाइड करती हैं। तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आप बिगनर्स हैं और कोलैबोरेशन के लिए आपके मन में कोई डाउट है कि मैं कैसे अप्लाई करूँ, कौन कौन सी एजेंसी हैं, तो ये सब वीडियो में मैंने कवर करने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप और भी कोई क्वेरी है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, वहाँ पर जाकर आप मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो इस तरीके वीडियो लेके मैं आपके सामने हाजिर होती रहूँगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।